अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी इजी एंड डिलीशियस मल्टी लेयर गार्लिक पराठा बनाने की रेसिपी। आप इसे शाम के नाश्ते के लिए बनाएं या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस पराठा बनकर के तैयार होता है। तो सबसे पहले हम डो की तैयारी कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एक बोल में एक कप आटा ले लेना है। ये गेहूँ का आटा है और अब हम इसमें एक कप मैदा ले लेंगे। आप चाहे तो सिर्फ मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर दोनों चीज़ों को मिक्स करके बनाया है और 1/4 कप हम इसमें सूजी डाल देंगे, जिससे बाहर से पराठे जो हैं क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। और 1 टीस्पून शक्कर और 1/2 टीस्पून नमक डाल देना है और 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालेंगे, जिससे पराठे जो हैं फ्लफी बन करके तैयार होंगे। और 2 टेबल स्पून तेल डाल देना है या फिर आप यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को पहले हमें खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर इसका हमें सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो ये रूम टेम्परेचर पे पानी है, तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर डो को समेट लिया है। तो अब हम इसमें 3 से 4 मिनट के लिए खूब अच्छे से पंच मार कर इसे हमें चिकना कर लेना है। तो यहाँ पर हमने डो को तैयार कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल या घी अप्लाई कर देंगे, जिससे इसकी ऊपरी लेयर सूखे नहीं। उसके बाद हमें इसे ढक्कन से ढक करके आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। इसी दरमियान हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर हमें एक पैन में 4 से 5 टेबल स्पून बटर डाल देना है। यहाँ पर हमने गैस के फ्लेम को लो रखा है। यहाँ पर मेन मकसद है बटर को मेल्ट करना, तो लो फ्लेम पे हम बटर को मेल्ट कर लेते हैं। साथ ही हम 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ गार्लिक डाल देते हैं और लो फ्लेम पे हम 8 से 10 सेकेंड के लिए इसे पका लेंगे। इसे हमें जलाना नहीं है, बस इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो आप गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। और उसके बाद हमने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दिया है। तो यहाँ पर हमने इस मिक्सचर को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर बटर गार्लिक का मिक्सचर बन करके तैयार है। तो अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, आटे जो है काफ़ी अच्छे से रेस्ट कर चुका है। तो 1 मिनट के लिए हम इसमें और पंच मार कर इसे चिकना कर लेंगे। उसके बाद हमें इसमें से मीडियम साइज के पेड़े तोड़ लेना है। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े पेड़े बना सकते हैं, जैसे आपको पराठा बनाना हो। उसके बाद हम रोलिंग सरफेस पे थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे हमें रोलिंग पिन से बेल लेना है। तो इसे हमें बिल्कुल पतला बेल लेना है। जितना हो सकेगा आप इसे पतला बेलिएगा, जिससे पराठे में लेयर अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरह से इसे बिल्कुल पतला बेल लिया है। तो जो हमने बटर गार्लिक का मिक्सचर तैयार करके रखा था, इसके ऊपर हमें अप्लाई कर देना है। तो इसे आप चारों तरफ अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर कलौंजी स्प्रिंकल कर देंगे। इससे पराठों का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। जब भी हम अपने घर में बच्चों के लिए पराठे बनाते हैं, तो उसमें कलौंजी का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका पराठा में। इसके बाद हमें इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा या फिर सूखा आटा डस्ट कर लेना है। और अब हम इस तरह से इसको उठाते हुए पतले पतले लेयर बनाते जाएंगे और एक के ऊपर एक हमें इस तरह से चढ़ाते हुए बनाते जाना है। बस आपको बचपन की यादें ताज़ा कर लेना है। जिस तरह से हम बचपन में कागज़ के पंखा बनाते थे, बस उसी स्टेप को यहाँ पर फॉलो कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे सारे ही मोड़ लिए हैं। तो अब हम इसको हल्का सा खींच कर पतला कर लेंगे और 2 फिंगर के हेल्प से हमें इस तरह से घुमाते हुए इसका पेड़ा हमें बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से। और इसके लास्ट वाले पोर्शन को हम इस तरह से नीचे की ओर दबा देंगे। तो इस तरह से हमारा लच्छा पराठा के लिए यहाँ पर एक पेड़ा बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम पहले सारे पेड़े बना करके रख लेंगे। उसके बाद हमें इसे पराठे का शेप दे देना है। तो इस तरह से हम हाथों से फैलाते हुए इसे पराठे का शेप देंगे। यहाँ पर हम बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही सूखा आटा का। ये इजली इस तरह से फैल जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे मीडियम साइज के पराठे बना लिए हैं और इसकी थिकनेस भी मीडियम होनी चाहिए, क्योंकि पराठे थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हमने तवे को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे सेकेंगे। तो जब एक साइड से 1.5 से 2 मिनट हो जाएंगे, तो इसकी साइड को हमें चेंज कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर घी या बटर अप्लाई कर लीजिएगा और इस तरह से दबाते हुए हमें पराठे को सेक लेना है। फिर से हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे 2 से 3 मिनट के बाद। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और दूसरी साइड भी हमें यहाँ पर घी या बटर अप्लाई कर लेना है।
इस तरह से दबाते हुए पराठे को सेक लेंगे। ये देखिए दोनों साइड कितने अच्छे से सिके हैं और ये देखिए इनकी लेयर कितने अच्छे खुल करके आ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर पराठा बन करके तैयार हुआ है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए पराठे हम इसी तरह से बना करके रख लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सारे पराठे बना करके रख लिया है। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा और बटर गार्लिक का जो मिक्सचर है अप्लाई कर देना है, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कितना बेहतरीन लच्छा पराठा बन करके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी लच्छे बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मल्टी लेयर गार्लिक पराठा बन करके तैयार हुआ है। ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। तो बस आपको मेरी सारे स्टेप को फॉलो करना होगा तो आपका भी इसी तरह का बेहतरीन लच्छा पराठा बन करके तैयार होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।